हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल आज की वीडियो हमारी है जनजीसी के ऊपर और टॉपिक जो है ना वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और वो है इंडियन फॉरेन ट्रेड देखिए ये टॉपिक जो है ना इंपॉर्टेंट है किसके लिए जेके पी कांस्टेबल के एग्जाम में इस एग्ज़ाम के लिए क्योंकि जे पी कांस्टेबल के सिलेबस में ये टॉपिक दे रखा है ठीक है और इस टॉपिक में से भी अगर आप क्वेश्चन की बात करें तो कम से कम मिनिमम आपको एक क्वेश्चन जो है यहाँ से आना ही है ठीक है बाकी चलिए आगे चलने से पहले एक चीज और अगर आपको इन क्वेश्चंस की इन एमसीक्यूज की मतलब अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए ना तो पीडीएफ आपको मिल जाएगी कहाँ पर टेलीग्राम पर टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है नहीं तो आप कमेंट कर दे वहां पर आपको इस चैनल का मतलब टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा तो वहां से ज्वाइन करके आप डायरेक्टली इस पी को ले सकते हैं और इसको रीड कर सकते हैं ठीक है चलिए अब जल्दी से आगे चलते हैं और आज की इस वीडियो का इस टॉपिक का पहला क्वेश्चन देखते हैं देखिए पहला क्वेश्चन है वन ऑफ द मेन फैक्टर्स दैट लेड टू रैपिड एक्सपेंशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट्स इंडियन एक्सपोर्ट की रैपिड एक्सपेंशन को लेकर इनमें से एक मेन फैक्टर जो रहा है वो कौन सा रहा है जिसकी वजह से मतलब रैपिड एक्सपेंशन हुई है किसकी इंडियन एक्सपोर्ट की पहला है लिबरलाइजेशन ऑफ द इकॉनमी डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एक्सपोर्ट्स इम्पोजिशन ऑफ इम्पोर्ट ड्यूटीज या फिर रिसेशन इन अदर कंट्रीज देखिए यहाँ पर अगर आंसर की बात करें तो वो है लिबरलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी इकॉनमी का लिबराइजेशन अब देखिए तो मतलब यह हुआ लिबराइजेशन आपका इकॉनमी पूरा देख लेते हैं तो मतलब यह हुआ कि इकॉनॉमी के ऊपर जो भी रिस्ट्रिक्शन थी ना ठीक है इकोनॉमिक एक्टिविटी के ऊपर जो भी रिस्ट्रिक्शन थी उनको क्या कर देना खत्म कर देना उसी को लिबरालाइजेशन कहा जाता है ठीक है ना मतलब प्राइवेट सेक्टर को क्या करना प्रोमोट करना ठीक है और गवर्नमेंट सेक्टर को क्या करना मतलब जहाँ पर गवर्नमेंट अपना सारा कंट्रोल में रख रह रही थी ना तो उसकी जगह फिर अब कंट्रोल कौन रखेगा लिबलाइजेशन के आने से जो ज़्यादा कंट्रोल जाएगा वो किसके पास जाएगा इसमें प्राइवेट सेक्टर के पास जाएगा ठीक है ना तो ये हो गया लिपलाइजेशन ऑफ द इकॉनमी ठीक है नेक्स्ट प्रेजेंट इंडस्ट्रियल पॉलिसी इन इंडिया एम्स एट जो प्रेजेंट इंडस्ट्रियल पॉलिसी इन इंडिया उसका एम क्या है आप हाँ देखें प्रोमोटिंग द दे प्राइवेट सेक्टर यूनिट्स या फिर इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर यूनिट्स या फिर एक्सीटिंग द परफॉर्मेंस ऑफ मिक्सड इकॉमी या फिर डिस्करेज द परफॉर्मेंस ऑफ द प्राइवेट सेक्टर तो प्रेजेंट इंडस्ट्रियल पॉलिसी इन इंडिया अगर आप देखेंगे तो उसका क्या है काम क्या उसका उसका है एक्सीडेट करना परफॉर्मेंस ऑफ मिक्सड इकॉनमीमी ठीक है मिक्सड इकोनॉमी की परफॉर्मेंस को क्या करना एक्सेडेट करना मतलब बढ़ाना उसको ठीक है चलिए देखिए नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर थ्री वेन डज़ द प्रॉब्लम ऑफ अन फेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट अराइज तो अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट कब ये इसमें प्रॉब्लम जो है ये कब अराइज़ होती है वैन एक्सपोर्ट डिक्रीजेज या फिर वन एक्सपोर्ट इंक्रीजेज या फिर इम्पोर्ट इंक्रीजेज या फिर वन इम्पोर्ट्स आर ग्रेटर दैन एक्सपोर्ट्स तो देखिए जब इम्पोर्ट्स क्या होते हैं ग्रेटर होते हैं ज़्यादा होते हैं किससे एक्सपोर्ट्स है तो उस वक़्त अनफेवरे बैलेंस ऑफ पेमेंट ये ये ऐसी प्रॉब्लम क्या होती है अराइज होती है ठीक है चलिए नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर फोर द डिफरेंस बिटवीन विजिबल एक्सपोर्ट एंड विजिबल इम्पोर्ट इज़ डिफाइंड एज डिफरेंस किसके बीच में विजिबल एक्सपोर्ट और विजिबल इम्पोर्ट के बीच में जो है उसको किस तरह से डिफाइन किया जाता है मतलब उसको क्या कहते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं बैलेंस टर्म्स ऑफ ट्रेड कहते हैं गेंस फ्रॉम ट्रेड कहते हैं या फिर आलाव के अपॉक्ट कहते हैं क्या कहते हैं उसको उसको कहते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड ठीक है ये चीज़ ध्यान में रखना बड़ी इंपॉर्टेंट है ये ठीक है चलिए ये विजिबल है और इनविजिबल भी होता है इनविजिबल में अगर आप देखेंगे तो सर्विसेज आती हैं ठीक है चलिए नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर फाइव विच ऑफ़ द फलोइंग वॉज फॉर्म टू सजेस्ट मीन्स फॉर इराटिकेटिंग ब्लैक ब्लैक मनी ठीक है तो ब्लैक मनी को क्या करने के लिए इराटिकेट करने के लिए उसको खत्म करने के लिए इनमें से इसमें क्या मतलब इनमें से किसकी फॉर्मेशन हुई थी जो कि सजेस्ट करेगा ठीक है ना किसको ब्लैक इकॉनॉमी को ब्लैक इकॉनॉमी uh, की सॉरी ब्लैक मनी की uh, फाइनेंस uh, कमीशन है सरकारी कमीशन है शाह कमीशन है या फिर चिलिया कमीशन है तो कौन सा कमीशन बना था ये ये बना था चिलिया कमीशन ठीक है नेक्स्ट बी ओ पी बैलेंस ऑफ पेमेंट रेफर्स टू बैलेंस ऑफ पेमेंट रेफर्स टू ऑप्शन देखिए। ट्रांजेक्शन्स इन द फ्लो ऑफ कैपिटल या फिर एक सेकेंड अब देखिए या फिर ट्रांसैक्शन रिलेटेड टू रिसीट एंड पेमेंट ऑफ इनविजिबल्स या ट्रांसक्शन रेलटेड टू ऑनली टू एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स या फिर सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इट्स इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है बैलेंस बी अगर बोले तो उसका मतलब यह है कि सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इट्स इकोनॉमिक विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ठीक है ना जो भी कंट्री की इसमें पूरी दुनिया रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मतलब अपनी कंट्री की जो दूसरी इंटरनेशनल लेवल पर अगर देखेंगे जो भी इकोनॉमिक ट्रांसक्शन होती है न, उनका ना उनका सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखना ठीक है उनको सिस्टमैटिक रिकॉर्ड होना उसी को कहा जाता है बी ओपी बैलेंस ऑफ पेमेंट कहा जाता है उसको ठीक है चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन सेवन ए कंट्री इज सैड टू बी इन डेट ट्रैप डेप ट्रैप इफ कंट्री को डेप ट्रैप कब कहा जाएगा जब इट हैज़ टू अबाइड बाई द कंडीशनलिटीज इम्पोज बाई द इंटरनेशनल माउंटेन फंड या फिर इट टू बोरो टू मेक इंटरेस्ट पेमेंट्स ऑन द आउट लॉन्स या इट हैज बिन रिफ्यूज लॉन्स आर एड बाई क्रेटर्स अब्रॉड या फिर द वर्ल्ड बैंक चार्जिज ए वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन आउट एज वेल एज न्यू लॉन्स तो डेट ट्रैप उसको कब कहा जाता है जब क्या हो उसको uh, उधार लेना पड़े इट हैज टू बोरो टू मेक इंटरेस्ट पेमेंट्स ऑन आउट लॉन्स मतलब अगर किसी कंट्री ने क्या करा है लोन लिया है तो उस लोन पर जो इंटरेस्ट बन रहा है ठीक है उस इंटरेस्ट को ख़त्म करने के लिए जब कंट्री क्या करती है उधार लेती है ठीक है तो उस केस में उसको डेट ट्रैप कहा जाएगा ठीक है नेक्स्ट है डंपिंग इन द कंटेक्सट इंटरनेशनल ट्रेड रेफर टू ऑप्शन हैं मतलब डंपिंग इंटरनेशनल कंटेक्सट में आप इसमें क्या कहेंगे इसको इंटरनेशनल ट्रेड में क्या कहेंगे इसको एक्सपोर्टिंग गुड्स एट प्राइसेस बिलो द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या एक्सपोर्टिंग गुड्स विदाउट पेइंग द अप्रोप्रेट टैक्सेस इन द रिसीविंग कंट्री या फिर एक्सपोर्टिंग गुड्स ऑफ इंफीरियर क्वालिटी या फिर एक्सपोर्टिंग गुड्स आनली टू री इम्पोर्ट दम एट चीपर रेट्स तो डंपिंग क्या हो गया डंपिंग है एक्सपोर्टिंग गुड्स एट प्राइसेस बिलो द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ठीक है बिलो द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन चलिए नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर नाइन देखिए क्या है द एरिया अंडर द स्पेशल एक्सपोर्ट जोन एस इसट हैज़ बिन डिक्लेयर फॉरन टेरेटरी दिस मीन्स दैट देखिए एरिया किसके अंडर स्पेशल एक्सपोर्ट जोन के अंडर जो एरिया है अगर उसमें आप देखेंगे अगर किसी को फॉरन टेरीटरी उस मतलब एरिया उसमें जो आ रहा है उसको अगर फॉरन टेरेटरी डिक्लेयर कर दिया है तो उसका मतलब क्या होता है गुड्स कैन नॉट ब्रॉट इन टू द डोमेस्टिक टेरिफ एरिया या फिर एस सैड गुड कैन नॉट बी सोल्ड इन द डोमेस्टिक टेरफ एरिया फिर गुड्स ब्रॉड फ्राम द एड टू द डोमेटिक टेरिफ एरियाड एज इम्पोर्टेड गुड्स या फिर एस ई साइड गुड्स आर फ्री ऑफ एक्सेंस ड्यूटी तो इसमें क्या होगा कि गुड्स ब्रॉड फ्रॉम द एसाइड स्पेशल एक्सपोर्ट जोन अगर क्या करेंगे वो गुड्स अगर वहाँ से लाई जा रही है ठीक है कहाँ पर टू द डोमेस्टिक टैरिफ एरिया आर टूपी ट्रेटेड एज इम्पोर्टेड गुड्स उस वक्त उस गुड्स को इम्पोर्ट गुड क्या करा जाएगा माना जाएगा अगर आप क्या करते हैं गुड्स को लाते हैं कहां से स्पेशल एक्सपोर्ट जोन से कहां पर डोमेस्टिक टैरिफ एरिया में ठीक है तो उस वक्त उन गुड्स को क्या कहा जाता है इंपोर्टेड गुड्स कहा जाता है ठीक है चलिए नेक्स्ट है हमारे पास वट वट इज द करंट अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट्स तो करंट अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्या होता है इट इज़ द अकाउंट शोइंग डिफरेंस ऑफ टोटल एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स इन वन ईयर या फिर इट इज द अकाउंट शोइंग ट्रांजेक्शन इन इनविजिबल अकाउंट लाइक टूरिज्म शिपिंग इंश्योरेंस या फिर इट इज द अकाउंट शोइंग ट्रांजेक्शंस लाइक नेक्स्ट नेट एक्सटर्नल असिस्टेंस एंड नॉर डिपोजिट एटसेट्रा या फिर इट इज दकाउंट शोइंग ट्रेड बैलेंस प्लस इनविजिबल बैलेंस तो क्या होता है करंट अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट यह क्या है इट इज द अकाउंट शोइंग ट्रेड बैलेंस प्लस इनविजिबल बैलेंस ठीक है जो क्या करता है शो करता है आप देखिए यहाँ पर एक ट्रेड बैलेंस और साथ ही साथ इनविजिबल बैलेंस ठीक है नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर इलेवन वेन एवर न्यूज पेपर टॉक परफॉर्मेंस ऑफ कोर इंडस्ट्रीज ओके ऑफ इज नॉट तो इनमें से किसको कोर uh, इंडस्ट्री मतलब कंसिडर नहीं करा जाता है ठीक है पेट्रोलियम ऑटोमोबाइल माइनिंग स्टील या फिर सीमेंट तो इनमें से कौन सा है वो है माइनिंग ठीक है इसको कोर इंडस्ट्रीज में कंसिडर नहीं करा जाता है ठीक है नेक्स्ट क्स्ट ऑफ द फ्लाइंग सेक्टर नॉट कम अंडर द सेक्टर इनमें से कौन सेक्टर जो है वो सेक्टर में नहीं आ रहा ट्रेड या बिजनेस एक्टिविटी फिर इलेक्ट्रिसिटी वो है वो है इलेक्ट्रिसिटी ठीक है चलिए नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्टीन इनविजिबल एक्सपोर्ट मीन्स इनविजिबल एक्सपोर्ट मीन्स एक्सपोर्ट सर्विसेज या फिर प्रोहिबिटेड गुड्स या फिर अनरिकॉर्डेड गुड्स या फिर गुड्स थ्रू स्मगलिंग या फिर आलावतिवो. तो इनविजिबल एक्सपोर्ट मीन्स एक्सपोर्ट

तो इनमें से कौन सा मेन ऑब्जेक्टिव है इंडिया की फॉरन ट्रेड पॉलिसी का टू प्रोमोट एक्सपोर्ट एंड रिड्यूस इम्पोर्ट्स या फिर टू अचीव ए बैलेंस ऑफ ट्रेड प्लस सरप्लस या फिर टू शेयर द इंक्रीज ऑफ इंडियस एक्सपोर्ट्स इन वर्ल्ड वाइड या फिर टू प्रमोट इम्पोर्ट सब्सटी क्या देखिए अगर यहाँ पर आंसर की बात करें ना तो वो होगा हमारे पास कौन सा टू इंक्रीज द शेयर ऑफ इंडियस एक्सपोर्ट्स इन वर्ल्ड ट्रेड मतलब अपना एक्सपोर्ट बढ़ाना है ठीक है ना सिंपल वर्ड में करें तो अपना एक्सपोर्ट क्या कर करना है बढ़ाना है ठीक है यही ऑब्जेक्टिव है मेन ऑब्जेक्टिव है इसका इंडिया फॉरन ट्रेड पॉलिसी का ठीक है नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन रेगुलेट्स इंटरनेशनल ट्रेड तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो रेगुलेट करती है चलाती है देखती है सारा इंटरनेशनल ट्रेड को वर्ल्ड बैंक है आई एम एफ है डब्ल्यू टी ओ है या फिर आ, इसमें यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट है कौन सी आइए ये है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ठीक है चलिए देखिए नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेवनटीन क्या है

ट्रेड ठीक है मेजर रीजन तो नाम है हाई एक्सपोर्ट ऑफ प्राइमरी गुड्स लो क्वालिटी ऑफ इंडियन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट ऑफ रेजिड्यू प्रोडक्ट्स या फिर अलग दिपो तो मेजर रीजन जो है ना इंडिया का इस अनफेवर इसमें इसमें टर्म्स ऑफ ट्रेड में अगर आप देखेंगे तो वो है ये सारे रीज़न इसके ठीक है इसमें आप देखेंगे तो प्राइमरी प्रोडक्ट्स का इसमें हाईली एक्सपोर्ट होना उसके साथ लो क्वालिटी इंडियन प्रोडक्ट्स को होना और साथ ही साथ रेवन्यू प्रोडक्ट्स का भी एक्सपोर्ट होना चौथे ऑफ इंडियस बैलेंस ऑफ पेमेंट्स तो इंडियस बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का यहाँ पर कौन कौन से सा है बैलेंस ऑफ ट्रेड फॉर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रेमिटेंसिस या फिर so, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में अगर देखें तो ये सारे है इसके ठीक है चलिए नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन ट्वेंटी सेकेंड वट वाज द मेन फोकस ऑफ इंडिया स्ट्रेड पॉलिसी बिफोर द लिबराइेशन इन 1991 इन तो 1991 में लिबरलाइजेशन हुई है ठीक है तो उससे पहले मेन फोकस क्या था इंडिया की जो ट्रेड पॉलिसी थी एक्सपोर्ट प्रमोशन इंपोर्ट सब्सिट्यूशन फ्री ट्रेड या फिर एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन तो क्या था उससे पहले देखिए नाइन्टीन नाइन में लिबरलाइजेशन हुई है तो मनमोहन सिंह जी के टाइम ठीक है उन्होंने तो ये करा था सर ठीक है तो उससे पहले अब देखेंगे तो जो फोकस था ना इंडिया की ट्रेड पॉलिसी का वो था इम्पोर्ट सब्सिट्यूशन मतलब वो चीज़ें जो हमें इम्पोर्ट करनी है उनको इम्पोर्ट तो करना नहीं है लेकिन उनका सब्सिट्यूट हमें रखना मतलब हमें क्या करना खुद ही वो सारी चीज़ें क्या करनी है यहाँ पर तैयार करनी है ठीक है ना तो वो था इम्पोर्ट सब्सिट्यूशन ठीक है और वो फोकस भी था ठीक है नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन टैरिफ नॉन टैरिफ बैरियज यूज इन इंटरनेशनल ट्रेड इन मेस नॉन टैरिफ मतलब अब टैरिफ मतलब हो गए नॉन टैक्स ठीक है नॉन टैक्स बैरियर बैरियर है लेकिन टैक्स उस पर नहीं लगेगा ठीक है ना बिना बिना टैरिफ वाला वो आपके पास क्या है बैरियर है ठीक है और इंटरनेशनल मार्केट ट्रेड में उसका इसमें यूज भी होता है ठीक है इम्पोर्ट कोटा से एक्सपोर्ट सब्सिडीज है टैरिफ रेट कोटा से या फिर कस्टम ड्यूटीज़ है तो कौन सा है इनमें से नॉन टैरिफ बैरियर जो कि यूज़ होता है इंटरनेशनल ट्रेड में आप देखेंगे यहाँ पर तो वो है इम्पोर्ट कोटास ठीक है इम्पोर्ट कोटास ये है इसका आंसर ठीक है चलिए देखिए नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वट इज़ द मेन परपज ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड ट्रेड आर्गनाजेशन का मेन परर्पज़ क्या है टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू डेवलपिंग कंट्रीज या फिर टू रेगुलेट इंटरनेशनल ट्रेड एंड एनश्योर फ्री ट्रेड अमांग मेम्बर कंट्रीज या फिर टू प्रोमोट इकोनॉमिक डेवलपमेंट थ्रू ट्रेड लिबराइजेशन या फिर टू मोनीटर एंड एनफोर्स ट्रेड अग्रीमेंट्स अमांग मेम्बर कंट्रीज तो इनमें से कौन सा मेन परपोज है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का वो है रेगुलेट करना ठीक है ना टू रेगुलेट इंटरनेशनल ट्रेड एंड एनश्योर फ्री ट्रेड अमांग मेम्बर कंट्रीज ठीक है मतलब रिस्ट्रिक्शंस वगैरह बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट को लेकर ठीक है और ये काम भी है किसका है ये सारा काम इस, इस सब चीज को लेकर करना इसमें किसका काम है ये का का नेक्स्ट है? विच में इनमें से कौन सा मेजर चैलेंज जो है वो इंडिया ने इंडिया फेस करती है ठीक है ना Uh, इसमें हाई टैरिफ्स ऑन एक्सपोर्ट है नॉन टैरिफ बैरियर है लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर ऑल ऑफ आलाफ्ती बाहू तो अब देखिए यहाँ पर मेजर चैलेंज जो फेस करा जाता है इंडिया के द्वारा इन इंटरनेशनल ट्रेड में वो है ऑल ऑफ आलाफ्ती बाहू ये सारे इसके अब देखें यहाँ पर इस चैलेंजेस है ठीक है नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज मेजर एडवांटेज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड फॉर इंडिया मेजर एडवांटेज बताना हमें इसमें इंटरनेशनल ट्रेड फॉर इंडिया को लेकर एक्सेस टू न्यू मार्केट्स एक्सेस टू एडवांस टेक्नोलॉजी एक्सेस टू फॉरेन कैपिटल या फिर आल ऑफ़ दिबो तो ये सारे एडवांटेजेस हैं अगर इंटरनेशनल ट्रेड इसमें इंडिया अगर क्या करती है मतलब इंटरनेशनल ट्रेड में इंडिया के लिए ये सारे क्या हैं एडवांटेजेस हैं ठीक है ना आल ऑफ दिबो इसका कह रहेगा आंसर रहेगा नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन वट इज़ द मेन रीज़न फॉर इंडियस ट्रेड डेफिशियट तो इंडियन ट्रेड डेफिशियट का मेन रीज़न क्या हाई इंपोर्ट ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स हाई इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स हाई इंपोर्ट ऑफ कंज्यूमर गुड्स या फिर हाई इम्पोर्ट्स ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स कौन सा है देखिए वो है हाई इम्पोर्ट्स ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स ठीक है यह मेन रीजन है इंडिया ट्रेड डेफिशिट का ठीक है नेक्स्ट है विच ऑफंग मेजर एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन फॉर इंडिया यूएस यूरोपियन यूनियन आसियन या फिर वो तो ये सारी इसमें इस आप देखेंगे तो मेजर एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है इंडिया के लिए ठीक है नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन ट्वेंटी नाइन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेजर इंपोर्ट आइटम फॉर इंडिया मेजर इंपोर्ट आइटम फॉर इंडिया कंसरी टेक्सटाइल्स मशीनरी फार्मास्यूटिकल या फिर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स वो है मशीनरी नेक्स्ट है विच फॉलोइंग इज ए मेजर गवर्नमेंट इनिशिएटिव एमड एट प्रोमोटिंग एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया तो इनमें से कौन से एक मेजर गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है जिसका एम है क्या करना कि एक्सपोर्ट को प्रोमोट करना ठीक है ना एक्सपोर्ट एक, एक, एक्सपोर्ट को करना प्रमोट करना कहाँ से इंडिया से मतलब हमारी कंट्री से अपने से ठीक तो अब देखिए यहाँ पर किसका ये एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का स्पेशल इकोनॉमिक जोन का एक्जिम का या तीनों का तो ये है तीनों का ठीक है नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्टी वन विच ऑफ द इज मेजर चैलेंज फेस बाई द इंडियन इकानी इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट कॉम्पिटिवनेस तो इनमें से कौन सा मेजर चैलेंज जो है वो इंडियन इकोनी फेस करती है इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट कॉम्पिटेस में हाई एक्सपोर्ट ग्रोथ लो एक्सपोर्ट ग्रोथ हाई इम्पोर्ट ग्रोथ या फिर लो इम्पोर्ट ग्रोथ कौन सी है वो देखिए वो है लो एक्सपोर्ट ग्रोथ नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इस मेजर गवर्नमेंट इनिशिएटिव एम्ड एट रिड्यूसिंग इंडियाज इंपोर्ट डिपेंडेंस इनमें से कौन सा गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है जिसका एम है क्या करना रिड्यूस करना इंडिया की इंपोर्ट डिपेंडेंस ठीक है ना वो सारी वो सारी आइटम्स इन पर कंट्री क्या करती है डिपेंड रहती है ठीक है ना तो उन सारी आ, उन सभी को लेकर अब क्या करना है कि गवर्नमेंट क्या कर रहा है इनिशियेटिव लिया है कि ठीक है ना अब वो इनिशिएटिव कौन सा है कि जिसके तहत क्या होगा कि इम्पोर्ट को लेकर ना जो डिपेंडेंस है वो क्या हो कम हो ठीक है ना मेक इन इंडिया स्किल इंडिया डिजिटल इंडिया या फिर स्टार्टअप कौन सी ये मेक इन इंडिया मतलब वो सारी चीजें यहां पर ही क्या करें तैयार करी जाए ठीक है नेक्स्ट है हमारे पास देखिए क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू फॉरन ट्रेड ऑफ इंडिया ठीक है यहां पर फॉरन ट्रेड ऑफ इंडिया के फेसिलिटी यहां पर हमारे पास स्टेटमेंट से पहले है फाइनेंशियल सर्विस अकाउंट फॉर द मेजोरिटी ऑफ एक्सपोर्ट सर्विस सेकेंड है इंडिया इस सपरिंग फ्राम कैपिटल डे अकाउंट ऑफ इन रिसेंट ईयर्स क्रूड पेट्रोलियम इज द हाइस्ट इम्पोर्टेड कॉम्युनिटी ठीक है विच ऑफ दबाउ इज आर गिवन करेक्ट इसमें इज आर इन करेक्ट ठीक है तो इनमें से कौन स्टेटमेंट में यहाँ पर जो है इनकरेक्ट है ठीक है देखिए पहली अगर दो अगर आप देखेंगे तो ये क्या है इनकरेक्ट है ठीक है ना और थर्ड वाली जो है बिल्कुल क्या है ये ट्रो क्रूड पेट्रोलियम इज द हाइएस्ट इंपोर्टेड कम्युनिटी है ठीक है तो अब देखिए यहाँ पर हमारे पास ऑनर रहेगा वो ये रहेगा फर्स्ट नेक्स्ट स्पेशल इकोनॉमिक सूट एज इज एट आर सेटअप इंडिया इन अडो टू प्रोमोट ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन है ना? आज से पाँच छः साल पहले आप देखेंगे तो इस चीज़ को शुरू था ठीक है ना तो यहाँ यहाँ पर अगर देखेंगे तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है वो सेटअप हो गए इंडिया में इन टू प्रोमोट इम्पोर्ट डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्री या एक्सपोर्ट या फिन तो किसके लिए ये इनको सेटअप करा है इनको करा है एक्सपोर्ट के लिए ठीक है नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव वन ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ इंडिया फॉरन ट्रेड इज इंडिया फॉरन ट्रेड की प्रॉब्लम आप देखेंगे यहाँ पर कौन सी हो सकती है पेमेंट ऑफ इम्पोर्ट्स इन रुपीस इंक्रीजिंग क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट्स अनफेवरल टर्म्स ऑफ ट्रेड या फिर दिस? तो कौन सी प्रॉब्लम है ठीक है आप देखेंगे इनमें से तो वो है अनफेवरल टर्म्स ऑफ ट्रेड ठीक है नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन थर्टी सिक्स बैलेंस ऑफ पेमेंट इंक्लूड्स कंपोनेंट्स तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में कौन कौन से कंपोनेंट इंक्लूड होते हैं करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट यूनिटल पेमेंट अकाउंट ऑफिशियल सेटलमेंट अकाउंट या फिर रेवेन्यू अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैपिटल अकाउंट ऑफिशियल अकाउंट या फिर फॉरेक्स अकाउंट ट्रेड अकाउंट फंड्स अकाउंट या फिर नन ऑफ दिस तो कौन कौन से अकाउंट ये इंक्लूड होते हैं इसमें बैलेंस ऑफ पेमेंट में याद रखना करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट यूनिटल पेमेंट अकाउंट ऑफिशियल सेटलमेंट अकाउंट ठीक है ये इस कंसर है ठीक नेक्स्ट द बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट ऑफ एन इकोनॉमी इज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर सेक्टर एक्सटर्नल सेक्टर गवर्नमेंट सेक्टर या फिर प्राइवेट सेक्टर तो किस से रिलेटेड होता है ये? ये होता है एक्सटर्नल सेक्टर से ठीक है बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट ऑफ एन इज रिलेटेड टू द एक्सटर्नल सेक्टर ठीक है देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्टी एट द बैलेंस ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स ऑफ गुड्स इज रेफेज क्या कहते हैं अभी हमने ये क्वेश्चन शायद शुरू में देखा था ये ठीक है, है, है क्या कहते हैं उसको करंट अकाउंट कहते हैं करंट अकाउंट बैलेंस कहते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट कहते हैं या फिर बैलेंस ऑफ ट्रेड कहते हैं क्या कहते हैं उसको बताएं देखिए उसको कहते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड ठीक है चलिए नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन थर्ड डेट यहाँ भी है थर्ड यहाँ भी है चलिए कोई बात नहीं नंबर से कुछ नहीं क्वेश्चन ज्यादा हो जाए फ्राम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज इंडिया इंपोर्ट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ट्रेड तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टी जो है ना इंडिया किस कंट्री से लेती है इंपोर्ट करती है चाइना से किनिय से नेपाल से या फिर बांग्लादेश से किससे करती है ये इन कंट्रीज में अगर आप देखेंगे तो नेपाल से ज्यादा करती है ठीक है चलिए देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन वन ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ इंडिया फॉरन ट्रेड अभी हमने ये क्वेश्चन कर दिया तो आपने देखा ठीक है नेक्स्ट है विच वन कंट्री द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ इंडियन टी इंडियन टी की लार्जेस्ट इंपोर्टर कौन सी है यूएसए है रशिया फ्रांस है या फिर जर्मनी है कौन सी है ये ये है रशिया ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन के साथ हमारी वीडियो होती है ये कंप्लीट के टॉपिक भी होता है कंप्लीट चलिए अब अपनी इस वीडियो को यहां पर करते हैं हम स्टॉप भी तो वीडियो अगर आपको लगी हो अच्छी तो कर दे लाइक चैनल पर नहीं तो कर दे सब्सक्राइब बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें क्योंकि उससे नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तो सबसे सब पहले पहुंचती भी है चलिए रखिएगा अपना हेल्प टेक केयर गुड बाय